आइडियाज सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और कैंपिंग और ट्रैकिंग के जो हम आपको दिखा रहे हैं सारे आइटम, उसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बड़ा ही अच्छा यूनिक आइटम जो आपको कैंपिंग और ट्रैकिंग करते टाइम जरूरत पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि जब आप कैंपिंग या ट्रैकिंग कर रहे हैं, इवन जब आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि बाहर जाके आप खाना बनाए और फिर उसको खाएं, तो उसका लिए भी ये आइटम आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, पीछे वाली वीडियो भी देख लें। पिछली वीडियो में हमने इस तरीके के और आइटम्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। इसमें चूल्हा है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके। अभी कोरोना का टाइम चला हुआ है और आप सभी को पता है कि हर जगह पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब खाने की बात आती है तो खाना गर्म हो जाता है लेकिन वही बर्तन नहीं हो पाएंगे, तो बर्तन को सैनिटाइज करना और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसलिए ये चूल्हा और ये जो आप कैंपिंग और ट्रैकिंग में इजिली यूज कर सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं इस टाइम पे। ये बड़ी अच्छी सी पैकिंग है इसकी, ये आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके का इसमें गैस स्टोव है, इसमें सिलेंडर लगेगा। सिलेंडर भी मैंने ऑर्डर किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ गैस स्टोव में आपको साथ में मिल जाएगा, आप प्राइस का अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन क्वालिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ में आपको सिर्फ सिलेंडर ही, आपका जो चूल्हा है उतना ही आपको मिलेगा। ये अराउंड 2.5 से 3 हजार का आपको मिलेगा, तो कुछ में आपको ये प्लस कॉम्बो मिल जाएगा। लेकिन क्वालिटी आपको और रिव्यूज आप देख के फिर आप परचेज करें। जो ये है स्पेसिफिकली जो मैंने मंगाया है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए, हाई पॉलिश बर्नर हेड है इसका, सेफ्टी कॉम्बिनेशन वॉल है इसमें, स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कोरोजन रेजिस्टेंट है, क्योंकि ये लोहे का नहीं है, स्टील मटेरियल का बना हुआ है। तो ये पोर्टेबल है, आप इसको इजिली कैरी कर सकते हैं। तो जब भी बात आती है कैंपिंग की, ट्रैकिंग की, इवन आप पिकनिक पे भी जा रहे हैं, बाहर कहीं पे अच्छा सा वॉटरफॉल है आप वहां पर जा रहे हैं, चाहे आप डे में ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो ये ले जा सकते हैं। नेचुरल बारबेक्यू आप ऑलरेडी बना सकते हैं माउंटेन एरिया में, लेकिन ये भी आपके लिए सेफ है। मान लीजिए आपके साथ कोई बच्चा है, आपको दूध, चाय, कॉफी, इस तरीके का आइटम्स आपको गर्म करने पड़ जाते हैं, तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रेडी टू ईट्स के भी बहुत सारे पैकेट्स आते हैं जो आप कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी रेडी टू इट्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो पहले हम ये, और पहले मैं आपको सिलेंडर दिखा देती हूँ, फिर हम इसको अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 4 सिलेंडर का पैक आता है आपका बेसिकली। ये 4 सिलेंडर का पैक मैंने मंगवाया था, तो ये भी बेसिकली हंस का ही है आपका, हंस का है ये आपका, ठीक है। ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है तो आपको सावधानी से यूज करना है। नेट वेट आप देख सकते हैं 250 ग्राम, 500 ml, ISO सर्टिफाइड है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन है। प्रोपेन है आपकी 2%, आइसोब्यूटेन 23% और 75% आपकी एन ब्यूटेन है। यहाँ पे इसमें दिखाया भी गया है आपको किस तरीके से यूज करनी है। ये सेफ्टी वॉल हटा के आप लगाएंगे, ये यहाँ पर मैं आपको ये लगा के प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी वीडियो में आगे, और कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए आपको यूज करना है। ओके, तो ये है जो 4 का सेट मैंने इसको ऑर्डर किया। अब मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है, जो ये हेड था मैंने बस इसको इधर इंसर्ट कर दिया, तो ये आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए बिल्कुल चमक रहा है, क्योंकि स्टील है ये, लोहा नहीं है, तो इसीलिए इसमें जंग लगने की कोई बात नहीं है। अगर मैं बात करूं इसकी, काफी स्ट्रॉन्ग है। जो हम नॉर्मल जो बर्नर यूज करते हैं किचन में, सेम उसी तरीके का है, मैं कहूंगी उससे भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये इसमें साथ में अटैच है, तो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छा मटेरियल है, आप इसको इजिली यूज कर सकते हैं। और आपको कैरी करना इजी आसान होएगा। जब हम इस तरीके का आइटम ले जाते हैं, मान लीजिए ये बॉक्स ना हो तो हमारे लिए बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पता नहीं ना कहाँ कपड़ों में, कहाँ चीजें जब हम इस तरीके से रखते हैं, कोई भी चीज टूट फूटने का, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर भी होंगे इस तरीके से, तो प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इसमें बड़ा ही ईजी हो जाएगा। तो ये आप ये ध्यान दें कि इस तरीके का बोल वाला हो, ये बॉक्स वाला हो, वो आप परचेज करें। तो ये आपका ओपन हो जाता है, मैंने आपको बता दिया। ये गैस के लिए यहाँ पे ये पाइप है, देखेंगे कॉपर वायर है यहाँ पे, तो कॉपर वायर है तो इस पे भी आपका जंग लगने का कोई खतरा नहीं है। और यहाँ पे आपकी ये गैस आएगी इस तरीके से,
ये आपका फिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये सिलेंडर डलेगा, सिलेंडर आपका यहाँ पे फिट हो जाएगा। इस वॉल में आपको सिलेंडर फिट कर देना है। तो ये कंपार्टमेंट आपके सिलेंडर के लिए है। यहाँ पर इस कंपार्टमेंट में आपका सिलेंडर आ जाएगा, ये पूरा लिखा है यहाँ पर प्रोटेक्शन। ये आपका ऑन ऑफ और इग्निशन के लिए, ये रहा, ये इग्निशन हो जाएगा आपका ऑटो इग्निशन यहाँ पे, और ये आपका ऑफ पे है। ये आप इसको लॉक और अनलॉक, ये इसको लॉक और अनलॉक भी आप इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ से अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी, तो वो भी आप देखें वीडियो को अंत तक। इसके साथ इसकी गाइड भी आई हुई है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसकी गाइड पे भी जो है देख सकते हैं इजिली। आप इसको कैरी कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको स्टार्ट कर। ये जो बनाई गई है बड़ी अच्छी क्वालिटी में है, ये जो जितना देखने से लग रहा है, और यूज करने के बाद मैं आपके साथ रिव्यू भी शेयर कर दूंगी। लेकिन फिर भी क्योंकि हम आग जलाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये मटेरियल है जो थोड़ा सा इनफ्लेमेबल है, ये इजिली यहाँ से ओपन होने के लिए यहाँ से दिया गया है। मैं एक बार निकाल लेती हूँ इसमें से, ये देखिए, तो ये इजिली ओपन होने के लिए यहाँ पे हालांकि दिया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको बरतनी है, सावधानी के साथ ही आपको जलाना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जर्मनशील पदार्थ है। तो कोशिश करें जैसे पेट्रोल डीजल के आसपास नहीं, और थोड़ी सी सावधानी आप जरूर बरतें जब आप इसको ऑन करें। ऑन करने से पहले आप इसको देख लें कि ये प्रॉपरली ब्लॉक हो गया है, या आपने अच्छे से सिलेंडर को फिट कर दिया है, उसके बाद ही आप इसको खाना बनाने के लिए स्टार्ट करें। तो इसका और क्या यूज कर सकते हैं आप इस बॉक्स का, एक और यूज कर सकते हैं बड़ा ही अच्छा, क्योंकि माउंटेन एरिया है, बारिश हवा तो चलती ही रहती है यहाँ पर। तो जैसे ही आपकी जिस साइड से हवा आ रही हो, उस हवा को इस तरीके से आप इसको ब्लॉक करने के लिए भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बर्तन रख के आप इजिली खाना बना सकते हो, इस तरीके से भी आप इसको ब्लॉक कर सकते हो। तो जिस भी डायरेक्शन से आ रही है उस डायरेक्शन में आप इसको लगा के ब्लॉक कर सकते हो। और इसके जो बर्तन है, जो स्पेशल इंडक्शन वाले बर्तन होते हैं उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी नॉर्मल बर्तन भी आप इस पे इजिली से कर सकते हैं, जो इंडक्शन और गैस दोनों के लिए आते हैं वो वाले बर्तन आप इस पे यूज कर सकते हैं। और बाकी जो आपका स्टील का एल्यूमिनियम का बर्तन आप जब कैरी करें, तो ऐसा बर्तन आप कैरी करें जो कि जल्दी गर्म हो जाए, मतलब हैवी बॉटम वाला बर्तन ना करें कैरी, जो जल्दी गर्म हो जाए, जल्दी जिसमें खाना बन जाए, इस तरीके का बर्तन आपको कैरी करना है। तो चलिए आप दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल। तो अब मैं आपको ऑपरेट करके दिखाती हूँ। ऑपरेट करने से पहले इसके कुछ क्वेश्चन सावधानियां हम पढ़ लेते हैं। कभी भी दो या दो से ज्यादा स्टोव्स को आप इस तरीके से इकट्ठा करके बड़ा बर्तन ना रखें। आपको जब बर्तन इस पे रखेंगे तो आप ध्यान रखें कि बहुत बड़ा बर्तन ना हो कि जो पूरा एरिया कवर कर ले इस तरीके से, उस बात का आपको ध्यान रखना है। डू नॉट ऑपरेट विद 400 mm ऑफ कमस्टियल नियर फ्लेमेबल, जहां पे भी ज्वलनशील पदार्थ हो और वहां पे इसको आप यूज ना करें। स्टोर को कभी भी ट्राइवर इन्वर्टेड से, मतलब इसको आप उल्टा सीधा ना करें, इस तरीके से आप इसको ना ढकें, ये आपको ध्यान रखना है। और लेवल सरफेस पर आपको यूज करना है, स्टोव जब चल रहा है तो उस तरीके से आप इसको मूव ना करें, एक जगह पर फिक्स कर ले जहां पर आपको चलाना है, और फिर ही आप इसको यूज करें। तो सबसे पहले ये सिलेंडर है जिसको आपको यूज करना है। सिलेंडर का ये आप नोब ओपन कर लेंगे, और इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर है, देखिए लॉक और अनलॉक। तो इसको हम अनलॉक कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर अभी सिलेंडर को लॉक करना है। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये पूरा ऑफ होना चाहिए, ऑफ पे यहाँ पे एरो का निशान लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये ऑफ होना चाहिए, ये ऑफ है। इसको आपको ओपन करना है, इसमें सिर्फ ये वाला आपको नहीं तोड़ना है, सिर्फ ये वाला ओपन करना है। इसको आप ओपन करेंगे, ये नोब आपको दिखाई दे गई है, ये इस तरीके से यहां पर है, ये यहां पर आप देखेंगे ये है यहां पे इस तरीके का। तो इसको आपको क्या करना है, ये इसमें ऐसे फिक्स करना है, इस तरीके से इसको आपको ऊपर की साइड ही रखना है। ये इस पे लिखा ऊपर की तरफ ही, इसको आपको ऊपर की तरफ ही यूज करना है। इसको आप वहां से लॉक करके देख लेंगे, पहले लॉक करें,
ये देखिए ये अब आपका लो हो गया है, तो थोड़ा सा सावधानी से आपको इसको यूज करना है। और ये दोस्तों ये आपका ऑटो इग्निशन है, आप जब इसको ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली बिना किसी लाइटर बिना किसी मैचस्टिक के ये ऑन हो जाएगा। तो मैं अब इसको मैंने यहां से लॉक कर दिया है, अब हम इसको यहां से बंद कर देते हैं और अब आपको ऑटो इग्निशन है तो ये आपको ऑन करना है। ये देखिए बर्तन आप छोटा रखें, जैसे देखिए मैंने छोटा बर्तन लिया है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, आप देखेंगे गैस आपको दिखाई दे रही है। तो ये ऑफ जब आप चलाएंगे ना तो आपको थोड़ी सी आवाज आएगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। इग्निशन तक जब ये आएगा, ये एरो इग्निशन तक, तभी ये इग्निशिएट होगा। तो आप इस पे चाय कॉफी कुछ भी आप यूज करके इसको यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए देखिए जैसे हवा आ रही है मान लीजिए किसी साइड से, तो आपको इसके लिए कैसे यूज करना है, इसी बॉक्स को हम यूज करेंगे। ये बॉक्स याद है आपको, तो मान लीजिए जैसे इस साइड से हवा आ रही है तो आप इस तरीके से इसको कवर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, पहली बार जब आप करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डर लगे क्योंकि इनफ्लेमेबल है ये आपको चीजें, ठीक है, थोड़ी सी ज्वलनशील है लेकिन सावधानी पूर्वक करनी है। तो इस पर अब हम बनाएंगे चाय और फिर हम इसका एंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ जब भी मैं पिकनिक पे कैंपिंग पे ट्रैकिंग पे इसको यूज करूंगी तब भी मैं आपको टिप्स देती रहूंगी, रिव्यू भी मैं शेयर करूंगी। और इसके अलावा रेडी टू ईट में आप क्या क्या कैरी कर सकते हैं कैंपिंग के लिए ट्रैकिंग के लिए, वो वीडियो भी मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊंगी। ये फ्रेजाइल तो ये आया था मैंने सब ये अमेजोन से ऑर्डर किया है ये वाला आइटम, तो इसको पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो जो अमेजोन है उसकी जो पहले आप देखोगे तो पैकिंग अलग होती थी जिसमें व्हाइट कलर का होता था, उसमें सब जगह अमेजोन लिखा होता था, तो वो उन्होंने बंद कर दिया। अब इस तरीके का सिंपल पैक ही आता है इनका। इसमें बेसिकली ये है, ये वाटर बॉटल है, ये 5 लीटर की मैंने मंगवाई है। ये इस तरीके की वाटर बॉटल है, जब आप बाइकिंग से बुलेट राइडिंग या जो भी आप करते हैं तो उस टाइम भी आपको जरूरत पड़ती है, जब खाना वाना बनाते हैं तो अपने साथ पानी को आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। 5 लीटर की ये बोतल है, आपकी अच्छे से पैकिंग हो जाएगी, जगह भी नहीं आपकी ज्यादा घेरेगी, इजिली कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ पे ये ढक्कन दिया हुआ है, इसको आप ओपन करके इसको 5 लीटर आप इसको फुल्ली जो है फिल कर सकते हैं और इजी टू कैरी, आप इसको इजिली कैरी भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको रस्ते में हम बिस्लरी या वैसी बोतल्स लेते हैं तो आप इसमें फिल करके पूरा अच्छे से और इसको इजिली कैरी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी अगर आप कैंपिंग ट्रैकिंग या बुलेट राइडिंग के शौकीन है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी इस बोतल का, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप जाते हैं खासकर की माउंटेन एरिया में, कई बार होता है कहीं कहीं दूर दूर पर भी आपको मिल सकती है शॉप, कहीं पर नहीं भी मिलती है शॉप पानी के लिए, तो वहां पर झरने बड़े खूबसूरत होते हैं, नेचुरल वाटर होता है, अच्छा पानी होता है, शुद्ध और पवित्र निर्मल एकदम क्लियर वाटर, तो आप इसमें उसको कैरी करके भी इजिली ले जा सकते हैं और माउंटेन की खूबसूरती के साथ आप ये वाला काम भी इजिली कर सकते हैं। कोई और टॉपिक ऐसा जो आपको प्रॉब्लम आ रही हो कैंपिंग ट्रैकिंग में और आप चाहते हो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मेरे लिए आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम लेकर आएंगे। तो अभी देखिए पानी आप देखेंगे तो देखिए गर्म हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए तो ये आपका नॉर्मल जो गैस चूल्हा है ना सिर्फ उसी तरीके से काम करता है, बस आपको ये सिलेंडर फिट करना है आना है अच्छे से और ऑफ और इग्निशन का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये लॉक और अनलॉक को हमेशा याद रखेंगे। अभी हम इसको कर देते हैं ऑफ, ऑफ करने के लिए आपको ये देखिए ऑफ पे आ गया। तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजें आपके लिए लेकर आएंगे जो कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।